तो बच्चों देखो अब क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अरे वाह, देखो कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ्स की, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 25 स्टूडेंट्स हैं, और हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, 72% इंटरेस्टेड है, 72% क्या है, इंटरेस्टेड। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अगर 72% इंटरेस्टेड है तो 100 माइनस 72 में करूंगा तो कितना आएगा, 28%। तो 28% क्या है बच्चे, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं पसंद, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो बस ये 28% पे हमको फोकस करना है। तो 28%, अब ये 28% कितने बच्चे हैं टोटल हमारे पास, 25। तो 28% ऑफ 25, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि हमारा परसेंटेज हमेशा किस में से आएगा, टोटल टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 25। तो बस इसका निकाल दो, 28% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 28/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। 25 कहाँ से आया, टोटल गिवन है, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 25, ठीक है। अब देखो 25 वन जा, 25 फोर जा, 4 वन जा, 4 सेवन जा। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद, 7 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 25 में से 7 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स नहीं पसंद, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वापिस अच्छे से देखेंगे। देखो क्या बोला है, 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, 72% बच्चे मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। अगर 72 आर इंटरेस्टेड तो कितने नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल 100 माइनस 72 जो आ गया 28, और हमें इसी का फाइंड करना है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो 28% नॉट इंटरेस्टेड, अब ये 28% किसका है, टोटल बच्चों का, और टोटल बच्चे कितने हमारे पास, 25। तो 28% ऑफ 25, तो 28/100 इंटू 25, 25 वन जा, 25 फोर जा, 4 वन जा, 4 सेवन जा, दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं पसंद, ओके।